नमस्कार पॉजिटिव भारत सह मु निहारिका पॉजिटिव भारत रे रहिछि अनेक खबर खबर भीतर को जीवा पूर्वरु प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे कोरोना रु मुक्त हेउछि भारत सात दिन धरी 1.5 लाख तले नुआ केस दैनिक पॉजिटिविटी हार खसी 6.21 आरोग्य हार पहुंचिला 93% पाखरे आक्टिव केस लोड 3 दिन धरी 20 लाख तले ना छात्र ना अभिभावक कहा को जाना नथिला वर्चुअल आलोचन रे हठात सामिल हेले प्रधानमंत्री उभय छात्र आउ अभिभावकों सह परीक्षा आउ क्यारियर को नहीं कले आलोचना आउ पूरी प्रमाणित हेला पिलामानक क्यारियर को नहीं चिंतित प्रधानमंत्री खूब शीघ्र देश पाइबाकु जाउछि द्वितीय स्वदेशी टीका हैदराबाद कंपनी बायोलॉजिकल ई सहित चुक्ति कले केंद्र सरकार 30 कोटी टीका पाई अग्रमी देबे 1500 कोटी आसंता किछि मासरे उपलब्ध हेबो टीका कोविड सेल्फ परे रैपिड एंटीजन टेस्ट किट पान बायो आईसीएमआर मंजूरी घरे परीक्षा करी लोके करी परिबे कोविड टेस्ट खूब शीघ्र बजारे मिलिबो होम टेस्ट किट पान बायो तृतीय लहर को नहीं एसबीआई रिसर्चर टीम रो आकलन कम रहिबो कोविड मृत्यु हार 98 दिन होई पारे तृतीय लहर भारत सरकार का सटीक कोविड परिचालना कमाइबो तृतीय लहर रो गंभीरता वर्तमान पई आपण माने देखुचंती सीधा प्रसारण प्रधानमंत्री मोदी सीबीएसई रो 12th पिलांक सहित सीधा सळक आलोचना करुचंती अच्छी बातें करें तो शाहरुख खान को मिलने से इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपको मिलने से लगा सर इट्स अ ड्रीम कम ट्रू और ये बहुत अच्छा था सर यू आर द बेस्ट और अभी जो हम अपने बच्चों के लिए आने वाला टाइम देखेंगे तो उसमें यही चाहेंगे कि ये इस समय का सदुपयोग करें और अच्छे से आगे जाके अपना करियर बनाएं 26 एज अ डांसर आई थिंक मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए मैं डांस करती हूँ तो मैं कथक करती हूँ जब साइकिलिंग जाने का मन होता है तो साइकिलिंग करती हूँ और सबसे पहली चीज जो मैंने रिजल्ट आने के बाद आपके डिसीजन आने के बाद की थी वो मैं 12 बजे तक सोई थी अरे वाह क्योंकि एग्जाम की वजह से सुबह 8 बजे उठना पड़ता था तो उस दिन मैं 12 बजे तक सोई हूँ चलिए बढ़िया सर मेरा नाम चित्रकार टेपर है मैं नेशनल मॉडल स्कूल कोयम्बतूर तमिलनाडु से हूँ सर सर मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ बोर्ड का कैंसिल होने वाला था तो लाइक अच्छा? मैं बीच में कम पड़ता था तो पहले तो आपके परिवार को मेरा वणक्कम वणक्कम सर हाँ वैसे तो हम राजस्थान से सर रहते तमिलनाडु में तो मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला था तो क्या आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं यस सर 12th में नहीं एस्ट्रोलॉजी जानते हैं हाँ सर तो ये कैसे पता चला कि होने वाला है सर वैसे ही अनुमान लगा लिया था और अच्छा डिसीजन था सर कैंसिल लिखने से ज्यादा कैंसिल पढ़ने तो आराम से खत्म हो जाएगा सर फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो गया लॉकडाउन की वजह से वो तो हफ्ते भर में सब घर वाले नाराज हो जाएंगे देख रहा तुम ये नहीं करते हो तुम जल्दी उठते रही हो चलो नहा लो तुम डालते रही हो चलिए तुम्हारे पापा का आने का टाइम हो गया अब देखिए डांट पड़ने वाली है नमस्ते सर नमस्ते जी नमस्ते मेरा नाम तमन्ना है मैं डीएवी मॉडल स्कूल वेस्ट बंगाल से हूँ जैसे कि आपने कहा हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो लॉकडाउन में मैंने और मेरे दोस्त ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अरे वाह तो उस पर भी फोकस कर सकते हैं हाँ और उसके क्या नाम है यूट्यूब चैनल का क्या नाम है तमन्ना शर्मीली अरे वाह हाँ तो उसपे हम लोग अलग अलग टाइप के वीडियोस डालते हैं एक हमने छोटी सी पोएट्री करी थी उसपे भी वीडियो डाला है एक शॉर्ट फिल्म है वो भी डाला है 21
हाँ बताओ बेटा। नमस्ते, चलिए फिर से दादी गुवाहाटी आ गया। हाँ, सर आइए ना, प्लीज आइए सर, आपसे मतलब मिलने का मौका मिला तो उससे बढ़िया क्या होगा सर। सर मेरी दादी जी और मेरे पापा के साथ हूँ। नमस्कार सर। हाँ सर, मतलब थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर आवर कंट्री सर। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू। दैट्स व्हाट आई कांट सर, आई डोंट हैव एनी मोर वर्ड्स टू से फॉर यू। थैंक यू। जो कुछ भी किया है हर क्षेत्र में, इट वाज वंडरफुल। थैंक यू। थैंक यू सर। हमेशा दादा, मेरी दादी जी अपडेटेड हमेशा रहती हैं, आपका आपको हमेशा न्यूज़ फॉलो करती हैं और हमेशा मुझे बताते रहती हैं कि आज ये अनाउंसमेंट हुआ, आज ये हुआ। अच्छा तो दादी जी को सारी राजनीति का पता है। हाँ सर, दादी जी को पूरी राजनीति, राजनीति न्यूज से सारी अपडेटेड रहती है। अच्छा अच्छा, आजादी के इस बार 75 वर्ष हैं, आजादी के 75 साल हो रहे हैं। क्या आप लोग आजादी के जंग में, आप जिस जिले में रहे वहाँ क्या घटना हुई थी, आजादी के समय क्या हुआ था, उस पर एक बड़ा अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस तो रिसर्च करेंगे। बिल्कुल लिख सकते हैं। यस सर। पक्का? यस सर। चलिए बढ़िया। यस सर। हाँ सर, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ सर। थैंक यू सर। आपने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन सर हमें लगा। आपने मतलब सब बच्चों के बारे में सोचा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। थैंक यू। और जो और सर, जो आपने कश्मीर में जो धारा 370 हटाई थी सर, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा सर डिसीजन था वो। धन्यवाद जी। हाँ सर, ये मेरे मम्मी पापा हैं। तो उनको सबको पता चल गया है आपने क्या क्या मुझे बताया है, अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। सर बताइए। आपके सर सारे गुणों का बहुत सम्मान करता हूँ, पर्टिकुलर सर ईमानदारी का मैं कायल हूँ सर। लेकिन सर एक गुजारिश है आपसे जी, अभी भी हमारे भारत देश में जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं सर, उनका बहुत शोषण होता है सर। इसमें कृपया करके सर कुछ ऐसी नीति बनाए कि उन लोगों को सम्मान मिले, जिससे उनको उनकी ईमानदारी को देखते हुए बच्चे अनुसरण करें, दूसरे अनुसरण करें। नीति नीति तो बनती है, लेकिन कुछ लोगों की नियत जो होती है वो रुकावट बनती है। यस सर। हम सब मिलकर के वातावरण बनाएंगे तो जरूर बनेगा जी, सब अच्छा हो सकता है। 31 हाय सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ बताइए बेटा, क्या कहना चाहती हो? जी सर। सर मेरा नाम अरनी साबले है, मैं एनिवेसन स्कूल इंदौर से हूँ। सर अभी जो आपने डिसीजन लिया वो तो अच्छा था ही, उसके अलावा आपका इंदौर किस बात के लिए मशहूर है? क्लीनलीनेस, स्वच्छता। हाँ इंदौर के जिस प्रकार से कमाल किया है स्वच्छता को लेकर के, ये वाकई सब चर्चा है इसकी। हाँ जी सर। ये नंबर पूरा दिखता नहीं बेटा, तुम्हारा नंबर 5 है क्या? हेलो सर। हाँ 5 5। हाँ नमस्ते जी। मैंने पहले 5 नंबर से मैं बात कर रहा हूँ, ये बेंगलुरु तबला वादक तुम्हारा बहुत हो गया, बार बार तुम बन सकते हो। हाँ नंबर 5 बेटा, सुनाई नहीं दे रहा है। 5 नंबर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो मंडी हिमाचल प्रदेश से, श्रेजल बुलेरिया। हिमाचल में कहाँ से बेटा? सर मंडी। तो मंडी जवाहर नवोदय विद्यालय। यस सर। सर मेरे दादा आपके बहुत बड़े फैन है। नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो अपना गाँव कहाँ पड़ता है जी? हिमाचल प्रदेश जिला मंडी। मंडी के पास है? मंडी से नजदीक है, 8-9 किलोमीटर। अच्छा की तरफ। और ठीक है? मैं ठीक हूँ। मेरी पोती, पहले तो मुझे आपके यहाँ से
सेबू बड़ी खाने को मिलती थी। कचौरी भी खाती है। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने का, मुझे मौका मिला और मेरा ये विश्वास और दृढ़ हुआ है कि भारत का युवा पॉजिटिव भी है और प्रैक्टिकल भी है। नेगेटिव थॉट्स की जगह आप लोग हर डिफिकल्टी और चैलेंज को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। ये हमारे देश के युवाओं की एक विशेषता है। घर में रहकर आप सब युवाओं ने जितने इनोवेशंस किए हैं, जितनी नई नई चीजें सीखी हैं, उसने आपके अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है। और मैं देख रहा था आज, मैं तो अचानक आ गए, आपको मालूम भी नहीं था, फिर भी आप एक भी बातचीत करके न आप लड़खड़ाए हैं, आप बिल्कुल जैसे अपने टीचर के साथ रोज बात करते हैं, अपने पेरेंट के साथ रोज बात करते हैं, वैसे ही मेरे से कर रहे हैं। ये जो अपनापन है ना, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए ये अनुभव बहुत आनंददायक है कि मैं मेरे देश के इतने कोने में बैठे हुए इन बच्चों के साथ इतनी सहजता से मैं बात कर पा रहा हूं। वरना तो कभी क्या होता है, वो देखते ही चौंक जाता है, अरे आप है, फिर वो बात ही नहीं करता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग कुछ भी भूले बिना बड़े विश्वास के साथ बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है। साथियों, आपके अनुभव जीवन में हर पड़ाव पर आपके वाले हैं। अगर कठिन से कठिन समय है उसको बार बार याद करके रोने चिल्लाने में समय बर्बाद मत कीजिए। कठिन समय से भी कुछ सीखा होगा, वो सीख को लेकर के आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत ताकत मिलेगी। आज जिस भी फील्ड में जाएंगे वहां काफी कुछ नया कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि स्कूल्स में, कॉलेज में हमें टीम स्पिरिट के बारे में बार बार कहा जाता है, सिखाया जाता है। यूनाइटेड स्ट्रेंथ के लेसन्स हमें दिए जाते हैं। लेकिन कोरोना की मुश्किलों के बीच हमें ये लेसन्स करीब से देखने का, समझने का, जीने का एक प्रकार से नए तरीके से अवसर मिला है। कैसे हमारे समाज में हर किसी ने एक दूसरे का हाथ थामा, कैसे देश ने एक टीम स्पिरिट से इतनी बड़ी चैलेंज का सामना किया है, ये सब हमने एक्सपीरियंस किया है। पब्लिक पार्टिसिपेशन और टीम वर्क के एक्सपीरियंस में जो पक्का विश्वास है, आपको भी एक नई ताकत देंगे। साथियों, कठिन से कठिन समय में भी जितना हमारे देश का, हम लोगों ने इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा, इस बार भी मैं जब भी किसी से बात करता हूं, जैसे मैं अभी एक बेटी बता रही थी, उसके परिवार के दो लोग उसने खो दिए, ये छोटी चीज नहीं होती जिंदगी में, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक विश्वास झलक रहा है। सबको लग रहा है ठीक है, आफत आई है, लेकिन हम विजयी होकर के निकलेंगे। हर हिंदुस्तान के मुंह से, हर भारतीय के मुंह से यही आवाज निकल रही है। हाय, पूरी वैश्विक महामारी है, पिछली शताब्दी में कभी ऐसा संकट नहीं आया है, पिछली चार पांच पीढ़ी में किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं, ऐसा हम लोगों के कालखंड में आ गया है। लेकिन फिर भी हर हिंदुस्तानी का एक ही आवाज निकल दी, नहीं हम इसको भी महत्व करेंगे, हम इससे भी निकलेंगे और नई ऊर्जा के साथ देश को आगे ले जाएंगे। और मिलकर के आगे बढ़ना, यही तो हमारा संकल्प है और मुझे पूरा भरोसा है आप आगे जहां भी जाएंगे इसी तरह एक साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे और देश को नई ऊंचाइयां तक ले जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, 5 जून पर्यावरण दिवस है, कुछ ना कुछ कीजिए एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये पृथ्वी को, प्रकृति को बचाना हम सबका दायित्व बनता है। उसी प्रकार से 21 जून याद है ना,
अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और यूएन में ये निर्णय जितने हुए हैं ना, ये योगा दिवस ऐसा आया कि दुनिया के सबसे अधिक देशों ने उसका समर्थन किया। यूएन में करीब करीब सब देशों ने समर्थन किया, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो ये योगा दिवस में आप भी अपने परिवार में रह करके योगा को जरूर अपनाइए, योगा कीजिए। और मैंने कहा बहुत सारे मैचेज हैं, ओलंपिक्स हैं, जानना चाहिए हमारे देश के कौन होनहार खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में जा रहे हैं, ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत की है, कैसी कठिन परिस्थितियों में वो आगे आए हैं, ये जानने से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है, नई ताकत मिलती है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि हम सब नौजवान इस समय का मैक्सिमम सदुपयोग करेंगे। इस कोरोना कालखंड में जैसे वैक्सीनेशन करना है, आपके परिवार में भी कुछ लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनका रजिस्ट्री वगैरह करने का काम आप कर सकते हैं, अगल बगल के लोगों की रजिस्ट्री करवा करके काम करोगे। और जब भी जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी, वैक्सीन लोगों को मिलती जाएगी, तो सेवा के भाव से भी जरूर किसी न किसी काम से जुड़िए। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, आपके माता पिताजी के आप पर आशीर्वाद बने रहे, आपके अपने सपने लेकर के आप जिए और आपके सपनों के लिए आपके माँ बाप को गर्व होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अचानक आपके बीच में घुस गया, आप हंसी मजाक की बातें कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, लेकिन मैंने आकर के थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया आपको, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव भारत को पुणी आपण मानको स्वागत करुछि। चलंतु देखिबा परवर्ती खबर। कोरोना टीकाकरण भितरे आउ गोटिए खुशी खबर सामना को आसीछि। खूब शीघ्र देश पाइबा को जाउछि आउ गोटिए मेड इन इंडिया वैक्सीन। 30 कोटी डोज कोरोना टीका पाई हैदराबाद स्थित टीका निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई सहित डील करिछंती केन्द्र सरकार। एथिपाई अग्रिम आकार रे देबे 1500 कोटी टंका। ए वैक्सीन अगस्ट टू डिसेंबर भितरे बायोलॉजिकल ई द्वारा प्रस्तुत करी संरक्षित रखा जिवो। प्रथम और द्वितीय पर्याय टीका ट्रायल रु सुफल मिलिछि। एहा परे तृतीय पर्याय परीक्षण जारी रखिछि बायोलॉजिकल ई। आगामी किछि मास भितरे ए टीका उपलब्ध हेबा नै आशा करा जाउछि। एबे देशरे भारत बायोटेक द्वारा प्रस्तुत कोवैक्सीन और सेरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कोरोना टीका कोविशील्ड दिया जाउछि। टीका उत्पादन क्षमता को बढ़ाइबा पई सरकारक यथासंभव पदक्षेप ग्रहण करिछन्। अनेक विदेशी कंपनीर कोविड टीका भारत में पहुँचवा नहीं केन्द्र सरकार तरफ तत्परता जारी रही। एपरि परिस्थिति रे बायोलॉजिकल ई र कोरोना टीका नुआ आशा संचार करिछि। बहु शीघ्र भारत को आसीबो अमेरिकार वैक्सीन फाइजर। 50 लक्ष अधिक फाइजर टीकार डोज अमेरिका रु भारत को जुलाई मास शेष सुद्धा पहुँचवा बोली सरकारी सूत्र रु जनापड़ी। या भितरे भारत रे विदेशी वैक्सीन उपरे हेउतिबा ट्रायल प्रक्रिया को कोहल करा जाइछि। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ रु एने फाइजर निर्माता और अमेरिकन ड्रग मेकर सहित आलोचना करा जाइछि। सूचना योग्य जे फाइजर कोरोना संक्रमण रोकिबारे 95% सक्षम होइथिबारु वर्तमान परिस्थिति रे भारत में फाइजर वैक्सीन आसवा एक शुभ सूचना बोली कहा जाय पारे। एने के कोविड संक्रमित को चिन्हट करिवार प्रक्रिया हेबो आहुरी सहज। वर्तमान पई नवा एक छोटो ब्रेक। ब्रेक परे स्वागत करुची पॉजिटिव भारत को देखिबा परवर्ती खबर। एणिकि कोविड संक्रमितंकु चिन्हट करिवार प्रक्रिया हेबो आहुरी सहज। पॉजिटिव किंबा नेगेटिव जानिबा पई आउ समय सापेक्ष टेस्टिंग पद्धति उपरे निर्भरशील हेबाकु पड़िबनी। एबे बाजार को गोटिए परे गोटिए आसिबारे लागिछि होम बेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट बा सेल्फ टेस्ट किट।
एबे बाजार को आसीबा को जाउची आउ एको होम बेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्ट किट जहार ना रहिची पान बायो। पैकेज चले तेबे वर्तमान पाई पॉजिटिव भारत रो खबर एतिक रखुचु। नमस्कार।